सही अच्छा है वैसे ग्लू पे। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल व्यूवर्स। जैसा कि हमने फोटोशॉप का आगाज़ किया, हमारी तीन क्लासेस आप सबने देखी। बिगिनर्स के लिए हम एक क्लास ले रहे हैं जिसमें हमने मूव टूल से स्टार्ट लिया था, उसके बाद मार्क्यू फैमिली को डिस्कस किया। मार्क्यू फैमिली में रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, और मार्क्यू टूल की मदद से डिफरेंट हमने प्रोजेक्ट्स बनाए। आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे लासो फैमिली को पढ़ने के लिए। लासो फैमिली के अंदर तीन डिफरेंट टूल्स हैं, लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल एंड देन मैग्नेटिक लासो टूल। तमाम की शॉर्टकट की एल है, तमाम टूल के साथ उसकी शॉर्टकट की लिखी हुई नज़र आ रही होती है। ये जब भी कभी अगर आप टूल सेलेक्ट करना चाहें तो विदाउट प्रेसिंग एनी कंट्रोल, आप कीबोर्ड से जो भी बटन प्रेस करेंगे तो आप वो टूल बआसानी सेलेक्ट कर सकते हैं। लासो टूल हमारे सामने मौजूद है। ये सारे तमाम सिलेक्शन टूल होते हैं हमारे, जो भी ऑब्जेक्ट हो, जो भी कोई चीज़ हो, आप उसे सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप इन टूल्स की मदद से सिलेक्शन कर रहे होते हैं। मैंने यहाँ लासो टूल सेलेक्ट किया। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ओपन करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप काम करना चाहते हैं उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ओ, इट मीन्स ओपन फाइल। तो सबसे पहले हम कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं, कंट्रोल ओ ओपन। यहाँ पे पिक्चर्स आ गए हमारे पास डेस्कटॉप। पिक्चर्स में जाकर यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट की एंड देन ओपन। ये हमारे ऑब्जेक्ट है, जो बनी बनाई पहले की तस्वीर है, इसको हमने यहाँ से हटाना है और किसी दूसरी फाइल के अंदर जाके पेस्ट करना है, या अपना बैकग्राउंड के बनाना है, या पिक्चर के ऊपर एडिटिंग करनी है, इस तस्वीर से आप किसी और तस्वीर को लगाना है, या इस तरीके की जो भी काम है वो हम बआसानी कर सकते हैं। तो सबसे पहला टूल लासो टूल। लासो टूल के अंदर देखिएगा काम किस तरह से होता है। लासो टूल की एक प्रॉब्लम ये है कि जब एक दफ़ा आप क्लिक कर देंगे तो आप क्लिक करने के बाद इसको कम्प्लीटली ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। इट मीन्स कि सिलेक्शन करनी पड़ेगी। अगर आपने माउस को जहाँ भी लीव किया, छोड़ा, तो आपकी सिलेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको बहुत ख्याल से यूज़ करना होता है। अब देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक भी आ रही है, कुछ इसके बाल कट रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप सिलेक्शन करें या कोई काम करें तो परफेक्ट सिलेक्शन होनी चाहिए। लासो टूल का इस्तेमाल करना यकीनन बहुत मुश्किल है, लेकिन एक टूल है तो हमें इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। ये हमने लासो टूल की मदद से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। हालांकि छोड़ा तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन ऑन हो गई है। शॉर्टकट की सबको पता है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी इज इक्वल टू कॉपी। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट मौजूद है कंट्रोल प्लस सी, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी प्रेस किया, कॉपी हो गई। अब न्यू लेयर लेकर आनी है। न्यू लेयर की शॉर्टकट की आप सबको पता है कंट्रोल प्लस एन इज इक्वल टू न्यू फाइल। तो न्यू फाइल पर जाकर हम इस अपनी फाइल को या अपने इस ऑब्जेक्ट को जो हमने कॉपी किया उसको हम पेस्ट करेंगे। कंट्रोल प्लस एन प्रेस किया हमने, यहाँ पे नाम लिख दें लासो टूल, या जो भी आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। प्रीसेट के अंदर से हमेशा हम लोग यहाँ से वेब को सिलेक्ट करते हुए आए, अगेन वेब सेलेक्ट करेंगे देन ओके। ये हमारे पास लेयर आ गई, यानी कि हमारी न्यू फाइल आ गई। बैक साइड पे देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट हमने कॉपी किया वो है, नेक्स्ट साइड नेक्स्ट जो है आपने जो न्यू फाइल ली है वो मौजूद है। यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने की शॉर्टकट की भी आप सबके इल्म में होगी, कंट्रोल प्लस वी इज इक्वल टू पेस्ट। ये पेस्ट की शॉर्टकट की है। नाउ प्रेस कंट्रोल प्लस वी। तो आप देखिएगा यहाँ हमें जिस तरह से लास्ट क्लासेस के अंदर हमें हर बैकग्राउंड के साथ न्यू लेयर लेकर काम करना पड़ रहा था, जब भी कभी आप किसी लेयर को कॉपी करके ना यहाँ लाकर पेस्ट करेंगे तो आपने सिर्फ कंट्रोल वी प्रेस करना होता है। न्यू लेयर लेने की खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली न्यू लेयर पे वो पेस्ट हो जाती है। मैंने कंट्रोल प्लस वी प्रेस किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास तस्वीर आ गई और यहाँ पर न्यू लेयर भी आ चुकी है। नाउ हमारे पास फिर ट्रांसफॉर्म की शॉर्टकट की, विच आई हैव टोल्ड, कंट्रोल प्लस टी इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म की शॉर्टकट की थी, फ्री ट्रांसफॉर्म की शॉर्टकट की थी कंट्रोल प्लस टी। तो हम कंट्रोल प्लस टी प्रेस करके इस ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जहाँ आपको एडजस्ट करना हो वहाँ भी से एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक दिस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करें, बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर करना चाहें, आपको पता है फोरग्राउंड कलर फिल करने की शॉर्टकट की अल्टर प्लस बैक स्पेस से, तो अल्टर प्लस बैक स्पेस आपने फिल किया और हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। यानी कि आप एक तस्वीर को कहीं से भी कॉपी करके सेलेक्ट करके कॉपी करके और किसी भी दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ लेकर आना चाहते हो तो आप इस तरह आसानी लेकर आ सकते हैं। ये थी हमारी छोटी सी क्लास जिसके अंदर हमने लासो टूल को देखा। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम पॉलीगोनल लासो टूल के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलीगोनल लासो टूल का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।